सुबह सवेरे सूरज के जलवे मगर ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बरकरार, ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 8 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। साफ पानी के लिए हुकूमत सिर्फ नारों और दावों तक महदूद मगर कारकर्दगी सिफर, मुख्तलिफ इलाकों में फिल्ट्रेशन प्लांट खराब होने से साफ पानी नायाब। इकबाल टाउन, खैबर ब्लॉक, जॉ टाउन, एफ ब्लॉक, कैंची स्टॉप के प्लांट बंद। साफ पानी को तरसे शहरों का जिले हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। कुत्ता मार ब्रिगेड गायब, शहर आवारा कुत्तों के हवाले। 24 घंटों के दौरान मजीद 25 अफराद अस्पताल पहुंच गए। 4 रोज में आवारा कुत्तों के काटने से मुतासर अफराद की तादाद 175 हो गई। निशाना बनने वालों में बच्चे बूढ़े भी शामिल। सराफा बाजार में सोने की कीमत आसमान से बातें करने लगी। सोने की फी तोला कीमत में 1250 रुपए का इजाफा हो गया। 24 के रात फी तोला सोने की कीमत 90,950 रुपए हो गई। अवाम तो अवाम, पुलिस ख्वास के तहफ्फुज़ में भी नाकाम। वज़ीर आज़म इमरान खान के भांजे के घर भी डकैती। शेरशाह के घर से डाकू तलाई जेवरात, नकदी, पिस्टल और दीगर अशिया लूट कर फरार। पुलिस ने डकैती की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी। सवाबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ के बैन मुल्क क्याम का मामला, सरकारी मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट को पुराना करार दे दिया। नवाज शरीफ की 2 जनवरी तक मेडिकल रिपोर्ट दी जाए, बोर्ड की सिफारिशात। नई मेडिकल रिपोर्ट की फराहमी पर तिबी रिपोर्ट जारी कर सकते हैं। सरकारी मेडिकल बोर्ड का महकमा दाखिला को मुरासला अरसाल। समदाबाद डूंगी ग्राउंड अदम तौजीही के सबब उजड़ गया। झूले टूट फूट का शिकार, फवारा भी खराब। सैर तफरी के लिए पाक आने वालों को मायूसी। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज सलमान भट्ट आरज़ाए क़लब के बाइस PIC में दाखिल। हाफिज सलमान भट्ट की हाल खतरे से बाहर, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की हाफिज सलमान भट्ट की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। सानहा PIC में जा बहक होने वालों के लिए यादगार शहदा नस्ब। वकला की PIC में चबूतरा बनाने और वकला तनाजे से मंसूब करने की मजम्मत। लाहौर बार के सदर आसिफ चीमा की सदारत इजलास, कहते हैं वकला PIC वाक़े के बाद बड़े तहमुल का मुजाहरा कर रहे हैं। OIDA की तरफ से मामले को बिला वजह उछाला जा रहा है। वकला का PIC में चबूतरे को फौरी खत्म करने का मुतालबा। टिकटॉक स्टार हरीम शाह का दावा गलत, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। विभागीय वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं अल्लाह के घर से आ रहा हूँ, मेरा दामन बिल्कुल साफ है। टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने गुज़श्ता दिनों शेख रशीद और अपनी दोस्त के निकाह का दावा किया था। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वजीर आजम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की आज 92वीं सालगिरह मनाई जाएगी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के हर दिल अजीज वजीर आजम थे। कायद अवाम ने दुनिया में नए इस्लामी ब्लॉक का तसव्वुर दिया और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के मेजबान भी बने। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज तकरीबात का इनेकाद किया जाएगा। बिलावल दुल्हा बन गए कौमी क्रिकेटर। बिलावल भट्टी रिश्ता इज़दवाज में मुंसलिक हो गए। बिलावल भट्टी की बारात में क्रिकेटर हसन अली की शिरकत। कौमी क्रिकेटर हसन अली दुल्हा बिलावल भट्टी की गाड़ी ड्राइव करके लाए। और ओपन एयर थिएटर बागे जिना में पंजाब लोक मेले का छठा रोज। रावलपिंडी सरगोधा आर्ट्स काउंसिल से फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस। गुलकार आफशा जेबी, गुरबान ज़ियादी समेत दीगर गुलकारों ने खूब समा बांधा। सूबाई वजीर फयाज़ हसन चौहान की पंजाब लोक मेले में खसूसी शिरकत। कहते हैं लाहौरी जिंदा दिल है और अपनी सकाफत को प्रमोट करते हैं।